हेलो फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश दीप एडू। आज के वीडियो में मैं फिर से आपसे 50 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो एनवायरनमेंट और सोशल स्टडी और साइंस से रिलेटेड हैं, क्योंकि जो एनवायरनमेंट है उसमें सोशल स्टडी और साइंस दोनों शामिल रहते हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया है, 50 क्वेश्चंस हम पहले पूछ चुके हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आज फिर से 50 क्वेश्चंस और पूछेंगे। और इस बार जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस हैं। आपको एक सवाल पूछा जाएगा, उसमें आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, लेकिन साथ ही मैं क्या करूँगा, बाकी वीडियोज की तरह नहीं होगा ये, इसमें मैं आपको उससे रिलेटेड जो जानकारी है वो भी दिया दूंगा। तो आप इसे ध्यान से देखिए, और क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, पहले आपको बताना है कि कौन सा इसमें से ऑप्शन जो है वो गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में नहीं आता है। भूतापीय ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा या पवन ऊर्जा? सही जवाब है जलीय ऊर्जा। अब क्यों नहीं है, मैं आपको दूसरा जो ऑप्शन है, दूसरा जो क्वेश्चन है उसके बाद बताऊंगा। कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है? सही जवाब है सौर ऊर्जा। अब देखिए, पहले तो ये जरूरी समझना है कि गैर परंपरागत और परंपरागत स्रोत क्या होते हैं। परंपरागत स्रोत उसको कहते हैं जिसका प्रयोग हम बहुत ही लंबे समय से करते आ रहे हैं, और जबकि गैर परंपरागत स्रोत वो हैं, परंपरागत स्रोत वो हैं जिसका प्रयोग हम लंबे समय से करते आ रहे हैं, और गैर परंपरागत स्रोत हैं जिसका हमें जो प्रयोग है बहुत लंबे समय से नहीं किया या हाल ही में किया है, और हमने हाल ही में उनका प्रयोग करना शुरू किया है क्योंकि टेक्नोलॉजी की कमी से, तकनीक और ज्ञान की कमी की वजह से हम उनका यूज़ नहीं कर पाए, लेकिन अब वो शुरू हो रहा है, तो वो गैर परंपरागत स्रोत में आते हैं। जैसे आप देखिए, कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, हमने पहला जो क्वेश्चन बताया था भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, जियोथर्मल एनर्जी, ज्वारी ऊर्जा, टाइडल एनर्जी। भूतापीय ऊर्जा का मतलब है जो ज़मीन से उत्पन्न ऊर्जा होती है, ज़मीन का जो तापमान है, धरती का जो तापमान है उससे जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है उसे भूतापीय ऊर्जा बोलते हैं। ज्वारी ऊर्जा मतलब जब समुद्र में ज्वार आता है तो उससे जो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। और जलीय ऊर्जा, पानी से तो हम जानते हैं ऊर्जा कई समय से हम लोग प्राप्त करते आ रहे हैं। पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी का प्रयोग करके हम जो करते हैं। तो इसमें से जो गैर परंपरागत है, मतलब गैर परंपरागत मैंने क्या बताया आपको, गैर परंपरागत मतलब जिसको हमने प्रयोग लंबे समय से नहीं किया बल्कि अभी हाल ही में हमने करना शुरू किया है, तो इसमें आपको बताना था गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो वो कौन सा, जलीय ऊर्जा, क्योंकि जलीय ऊर्जा का प्रयोग तो हम बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, तो ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में नहीं आएगा। इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन जो था, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है, परंपरागत का मतलब हुआ कि जिसका हम लंबे समय से यूज करते आ रहे हैं, कोयला का यूज हम कर ही रहे हैं, पेट्रोल का यूज कर ही रहे हैं, डीजल का यूज कर रहे हैं, लेकिन सौर ऊर्जा का हमने हाल ही में इसका स्रोत हमने इसका यूज करना शुरू किया है, इसलिए ये परंपरागत स्रोत में नहीं आएगा, सौर ऊर्जा आएगा गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में। ऐसी आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है वो कौन सा है? पहला है शक्ति स्थल पावागढ़ सोलर पार्क कर्नाटक में, भादला सोलर पार्क गुजरात में, कुरनूल अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क आंध्र प्रदेश में। सही जवाब है शक्ति स्थल पावगड़ा सोलर पार्क कर्नाटक में। ये कर्नाटक में लगा है और ये कम से कम 2000 मेगावाट बिजली का उत्पादन करता है, और ये कम से कम ये जो एरिया है इसका बहुत ज़्यादा है, यह कम से कम 13,000 एकड़ की ज़मीन पर फैला हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा पावर प्लांट कहाँ है? पवन ऊर्जा प्लांट बताना है आपको सबसे बड़ा, दमन ज्योति विंड फार्म उड़ीसा, मुपंडल विंड फार्म तमिलनाडु, जैसलमेर राजस्थान। सही जवाब है जैसलमेर राजस्थान। कम से कम 1060 मेगावाट बिजली का उत्पादन यहाँ किया जाता है। सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदूषक है, सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदूषक कौन है? कोयला, डीजल, पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ा प्राकृतिक प्रदूषक है कोयला। मछलियों का सबसे प्रिय भोजन क्या है?
प्लैंकटन, छोटी मछलियां, केचुआ या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है प्लैंकटन। अब देखिए प्लैंकटन, अगर आप समझें कि प्लैंकटन होता क्या है, प्लैंकटन सूक्ष्म जीव या पौधे हैं जो नदी, सागर या झीलों के पानी में पाए जाते हैं। और प्लैंकटन के भी दो कैटेगरी होती हैं, एक तो होता है फाइटो प्लैंकटन, PHYTO, फाइटो प्लैंकटन, PLENKTON। तो फाइटो प्लैंकटन क्या होता है? फाइटो प्लैंकटन होता है एक एक कोशिश, सिंगल सेल प्लांट होता है जो पानी में ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखता है। क्योंकि ये क्या करता है, जैसे पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को एसिमिलेट करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, इसी तरीके से फाइटोप्लैंकटन पानी में ऑक्सीजन रिलीज करता है और ऑक्सीजन का लेवल बनाए रखता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से फाइटोप्लैंकटन के अलावा एक और होता है, तो फाइटोप्लैंकटन के अलावा जो दूसरी कैटेगरी है वो जू प्लैंकटन है। जू प्लैंकटन में आते हैं, जू प्लैंकटन में जो जीव है, सूक्ष्म जीव एनिमल, वो आते हैं। तो समझ गए होंगे आप प्लैंकटन क्या है। तो प्लैंकटन जो है मछलियों का सबसे प्रिय भोजन है। भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा प्लांट कौन सा है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ क्योंकि मैंने अभी पहले पूछा था। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ही देखते हैं सीधे। घर में खाना पकाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो घर में खाना पकाने के लिए हम जो यूज करते हैं गैस, वो कौन सी यूज होती है? CNG, LPG, हाइड्रोजन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है LPG। LPG का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। वाहनों को चलाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? CNG, LPG, हाइड्रोजन। सही जवाब है CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग करते हैं और प्रदूषण को रोकने के लिए लाभप्रद है, इसलिए CNG का उपयोग शुरू किया गया है। भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड को किस जोन में रखा गया है? तो अब आपको पता होगा कि जो भारत है उसे चार जोन में बांटा गया है भूकंप की दृष्टि से, 2, 3 और 4 और 5। तो अब आपको बताना है कि भूकंप की दृष्टि से उत्तराखंड कौन से जोन में आता है? जोन 4 या जोन 3 में, जोन 2 में, जोन 5 और जोन 4 में, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है जो उत्तराखंड है वो जोन 5 और जोन 4 में आता है, ये दोनों ही क्षेत्र में आता है। भूकंप को किस रिक्टर स्केल पर, सॉरी, भूकंप को किस स्केल पर मापा जाता है आपको बताना है? रिक्टर स्केल पर, निक्टर स्केल पर, डेटर स्केल पर या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है रिक्टर स्केल पर। भूकंप की तीव्रता को किस यंत्र से मापा जाता है? सिस्मोग्राफ, बैरोमीटर, टेलीग्राफ, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है सिस्मोग्राफ। तो भूकंप से रिलेटेड और भी कुछ फैक्ट्स हैं वो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि भूकंप जहाँ से शुरू होता है उस केंद्र को क्या कहते हैं? उस केंद्र को एपिसेंटर कहा जाता है। भूकंप जहाँ से स्टार्ट होता है, जिस बिंदु से, उसे एपिसेंटर कहा जाता है। और भूकंप की तीव्रता को मैग्नीट्यूड में नापते हैं, याद रखिएगा, भूकंप की तीव्रता को मैग्नीट्यूड में नापते हैं। और जो जो मैग्नीट्यूड है ये तीव्रता को बताता है, भूकंप की तीव्रता कितनी थी। और 7 मैग्नीट्यूड का जो होता है, 7 मैग्नीट्यूड का जो भूकंप होता है तीव्रता का, वो बहुत ही विनाशकारी होता है, बहुत ही नुकसान देने वाला होता है। इनमें से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? तो कोयले का प्रकार आपको बताना कि कौन सा नहीं है। तो इनमें से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है? मैग्नेटाइट, बिटुमिनस, एंथेसाइट या पीट। तो ध्यान रखिएगा कोयले का प्रकार नहीं है बताना है। सही जवाब है मैग्नेटाइट, क्योंकि एंथेसाइट, बिटुमिनस और पीट ये कोयले के ही एग्जाम्पल हैं। एंथेसाइट जो होता है सबसे बढ़िया क्वालिटी का और कठोर कोयला होता है, बिटुमिनस भी, और पीट जो होता है सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का कोयला होता है। तो एंथ्रेसाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का है और पीट सबसे लोवेस्ट क्वालिटी का है। किस कोयले का उपयोग कोक बनाने में किया जाता है? लिग्नाइट, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस और पीट।
सही जवाब है बिटुमिनस कोयले का यूज किया जाता है कोक बनाने के लिए। एक यह एक कमर्शियल कोल है जिसका व्यावसायिक तौर से यूज किया जाता है। किस कोयले का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथेसाइट और पीट। विद्युत उत्पन्न करने के लिए होता है लिग्नाइट का प्रयोग। ठीक है, अच्छा जो क्वेश्चन था इनमें से कौन सा कोयले का प्रकार नहीं है, ये मैग्नेटाइट है। मैग्नेटाइट एक लोहे का प्रकार है ना कि कोयले का। इनमें से कौन सा लोहे का प्रकार नहीं है? अब लोहे का प्रकार आपको बताना है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट या पीट। सही जवाब है पीट, क्योंकि मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट ये सब लोहे के प्रकार हैं, पीट नहीं है। मैग्नेटाइट सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा होता है, आयरन ओर होता है। किसका प्रयोग स्टील निर्माण में होता है? अगला आपको बताना, किसका प्रयोग स्टील निर्माण में होता है? मैग्नीज, तांबा, लोहा या कोयला। सही जवाब है मैग्नीज का। मैग्नीज का प्रयोग स्टील निर्माण में होता है। एल्यूमिनियम किससे प्राप्त किया जाता है? लोहा, अभ्रक, तांबा या बॉक्साइट। सही जवाब है बॉक्साइट। इनमें से किसका उपयोग विद्युत तार बनाने में होता है? तो आपको बताना है कि बिजली का तार बनाने के लिए किसका यूज किया जाता है, लोहे का, अभ्रक का, तांबे का या बॉक्साइट का। सही जवाब है तांबे का। तांबे का इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक कंडक्टिविटी रखता है, मतलब प्रवाहकता रखता है, इसी में धारा आराम से प्रवाह हो जाती है, इसलिए तांबे का प्रयोग विद्युत तार बनाने में किया जाता है। इनमें से किसका प्रयोग विद्युत उद्योग में सबसे ज़्यादा होता है, लोहे का, अभ्रक का, तांबे का या बॉक्साइट का। सही जवाब है अभ्रक का। अभ्रक का इसलिए होता है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा इंसुलेटर होता है और इसकी रेजिस्टेंस पावर भी ज़्यादा होती है, प्रतिरोध करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है, इसीलिए ज़्यादातर विद्युत उपकरणों में अभ्रक का इस्तेमाल किया जाता है। पहले भारत था अभ्रक में प्रथम, लेकिन आजकल चाइना अभ्रक के उत्पादन में प्रथम चल रहा है। इनमें से किसका उपयोग पेंसिल बनाने में होता है, ग्रेफाइट का, अभ्रक का, तांबे का या बॉक्साइट का। सही जवाब है ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का प्रयोग पेंसिल बनाने में करते हैं। झूमिंग कृषि भारत के किस भाग में होती है? झूमिंग कृषि जो है इसमें पेड़ों को काटा जाता है, ये मतलब किसी जंगल के किसी भाग को लोग चुनते हैं और वहाँ के पेड़ों को काट देते हैं, उसको जला के राख कर देते हैं और उसके बाद उस भूमि को समतल बनाकर उसमें खेती करते हैं, इसीलिए इसे बर्न एंड स्लैश एग्रीकल्चर भी कहा जाता है। तो आपको बताना है कि झूमिंग कृषि भारत के किस भाग में होती है, उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण या पूर्वी। सही जवाब है उत्तर पूर्वी। झूमिंग कृषि का अन्य नाम क्या है, दीपा, मिल्पा, रोका या सभी। सही जवाब है सभी। अब झूमिंग को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे दीपा, दीपा छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले में इसे दीपा नाम से जाना जाता है झूमिंग कृषि को। मिल्पा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में इसे मिल्पा नाम से जाना जाता है, और रोका इसे ब्राज़ील में जाना जाता है। तो ये सभी सही हैं, झूमिंग कृषि के नाम हैं। सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, कपास, जूट या ऊन या इनमें से कोई नहीं। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है आपको बताना है, कपास, जूट, ऊन या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है जूट। नेक्स्ट, कोलार स्वर्ण की खाने कहाँ हैं? कोलार स्वर्ण की खाने कहाँ हैं, कर्नाटक में, तमिलनाडु में, केरल में या मध्य प्रदेश में। सही जवाब है कर्नाटक में, सबसे ज़्यादा स्वर्ण का उत्पादन किया जाता है। भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ पर स्थित है, अहमदाबाद में, दिल्ली में, चेन्नई में या नागपुर में। सही जवाब है अहमदाबाद में। संकटग्रस्त जातियों का विवरण है, संकटग्रस्त जातियों का विवरण किस किताब में है आपको बताना है। संकटग्रस्त जाति जो हैं किस में है, मतलब जिसमें जो विलुप्त प्रजातियां हैं पौधों की और जीवों की और या वनों की, तो उसका जो
पूरा रिकॉर्ड है वो किस में रखा गया है, ग्रीन डाटा बुक, येलो डाटा बुक, रेड डाटा बुक, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है रेड डाटा बुक। इसे IUCN जारी करती है, एक संस्था है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये ह्यूमन इम्पैक्ट को, ह्यूमन इम्पैक्ट जो प्रकृति पर दिखाता है, मानवीय जो हस्तक्षेप है प्रकृति में, उसको रोकने के लिए किया गया है। तो एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं IUCN से ही रिलेटेड, इससे ही एक जैसा। तो IUCN के अलावा के बाद एक और है वर्ल्ड वाइल्ड फंड, WWF कहते हैं, जिसमें जिसका भी उद्देश्य इसी तरीके से है कि मतलब जो वन्य प्रजातियां हैं, जो जंगल की प्रजातियां हैं, उनको संरक्षण करना है। WWF बनाया गया है और उसका हेड सेंटर जो है वो है स्विट्ज़रलैंड में। और उसमें अगर आप देखेंगे WWF का अगर लोगो, अगर आपने देखा होगा तो उसका जो लोगो है उसमें पांडा को बनाया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा WWF से रिलेटेड बातों को जो मैंने आपको बताया। अंग्रेजी शब्द जो है एनवायरनमेंट शब्द किस भाषा से बना हुआ है? तो अंग्रेजी का जो शब्द है एनवायरनमेंट, जिसका मतलब पर्यावरण होता है, ये किस भाषा से? जर्मन से है, लैटिन से है, या फ्रेंच से है, या ग्रीक? किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? सही जवाब है फ्रेंच। जो एनवायरनमेंट वर्ल्ड है वो एनवायरन से बना है, जो कि एक फ्रेंच वर्ल्ड है, तो फ्रेंच वर्ड से बना हुआ है, फ्रांस के वर्ड से, फ्रांस भाषा के शब्द से। अंग्रेजी का शब्द जो इकोलॉजी है किस भाषा के शब्द से बना हुआ है? जर्मन, लैटिन, फ्रेंच, या ग्रीक? तो ये बना है ग्रीक शब्द से। अब ये ग्रीक का जो वर्ड है OIKOS, ओइकोस, इससे बना है, जिसका मतलब होम होता है, और लॉजी इंग्लिश का वर्ड है, इन दोनों को मिलाकर इकोलॉजी बनाया गया है। तो इकोलॉजी वर्ड जो है वो ओइकोस, ग्रीक वर्ड ओइकोस से बना हुआ है, जिसका मतलब होम होता है। वन संरक्षण के लिए एपिको आंदोलन चलाया गया था। तो आपने चिपको आंदोलन तो सुना होगा, ऐसी एक और आंदोलन था एपिको आंदोलन। आपको बताना ये कहाँ चलाया गया था? कर्नाटक में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब है कर्नाटक में। अच्छा, जो ये वर्ल्ड है जो एपिको, चिपको जैसा ही वर्ड है, मतलब वही होता है चिपको और एपिको का मतलब, जिसमें लोग पेड़ से चिपक जाते थे और पेड़ों को बचाते थे और उन्हें काटने नहीं देते थे। तो जो ये जो वर्ल्ड है एपिको, ये कन्नड़ वर्ल्ड है, और जिसका मतलब होता है वृक्षों से गले लग जाना, चिपट जाना। तो कन्नड़ वर्ल्ड है, कर्नाटक में इसको शुरू किया गया था, और ये जो आंदोलन था चिपको से ही प्रेरित था, चिपको के बाद हुआ था और इससे प्रेरित था। नेक्स्ट, गरीबों की इमारती लकड़ी किसको कहा जाता है? साल, सागौन, देवदार, या बांस? सही जवाब है बांस को कहा जाता है, क्योंकि सबसे सस्ता है, बाकी दो लकड़ियां महंगी हैं। तो गरीबों की इमारती लकड़ी बांस को कहा जाता है, इससे आप कई प्रकार के घर और कई चीज़ों में से उपयोग में लाया जाता है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? देहरादून में, नागपुर में, कलकत्ता में, या चंडीगढ़ में? सही जवाब है देहरादून में। राजस्थान की एकमात्र नदी कौन सी है? गोदावरी, यमुना, लूनी, या कावेरी? सही जवाब है लूनी। लूनी नदी राजस्थान की एकमात्र नदी है। इकोसिस्टम शब्द के जनक कौन है? इकोसिस्टम जो शब्द है वो किसने दिया? ऑडम ने, तांसले ने, रिक्टर, या लिंडमैन ने? सही जवाब है ऑडम ने। पारिस्थितिकी परितंत्र का डिजाइन किया था, किसने बनाया था पारिस्थितिकी परितंत्र का? पिरामिड डिजाइन, ठीक है, पिरामिड डिजाइन के लिए बारे में पूछा गया, हैकल ने, टांसले ने, या चार्ल्स एल्टन ने, या ऑडम ने? सही जवाब है चार्ल्स एल्टन ने। पेंगुइन पक्षी का मूल स्थान है, आपने देखा होगा पेंगुइन पक्षी, तो ये कहाँ मिलता है? ग्रीनलैंड में, न्यूयॉर्क में, अलास्का में, या अंटार्कटिका में? सही जवाब है अंटार्कटिका में। एस्किमो इस क्षेत्र में रहते हैं, एस्किमो किस क्षेत्र में रहते हैं आपको बताना है? उत्तरी ध्रुव में, एशिया में, दक्षिणी ध्रुव में, या यूरोप में? सही जवाब है उत्तरी ध्रुव में। उत्तरी ध्रुव में ये जो है एस्किमो जहाँ पर रहते हैं, ये ग्रीनलैंड से साइबेरिया तक फैला हुआ है,
और एस्किमोज का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कच्चे मांस खाने वाला। तो और ये इग्लू में रहते हैं, अगर आपने सुना होगा इग्लू छोटे छोटे बर्फ़ के घर होते हैं, ये भी सब उत्तरी ध्रुव में ही पाए जाते हैं और इनका कद ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, छोटे होते हैं कद में। तो ये सब बातें आप ध्यान में रखिएगा एस्किमो के बारे में। अगला प्रश्न है, ठंडा रेगिस्तान किसे कहा जाता है? लद्दाख को, जम्मू कश्मीर, जम्मू को या कश्मीर को, या इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है, लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, क्योंकि जिस प्रकार से रेगिस्तान में हर तरफ रेती रेत होती है और वहाँ पर ज़्यादा ज़्यादा वनों की विविधता नहीं पाई जाती, इसी प्रकार से वहाँ पर भी ज़्यादा वन नहीं दिखते हैं और ज़्यादातर एरिया जो है ज़मीन का वो बर्फ़ से ढका रहता है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। किसने सर्वप्रथम बायोडिवर्सिटी शब्द का प्रयोग किया था? कैलकॉट ने, रायबैक ने, नॉर्टन ने, या ई ओ विल्सन ने? सही जवाब है, ई ओ विल्सन ने। मोनाल किन दो राज्यों का पक्षी है? राज्य पक्षी आपको बताना है, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश का मोनाल राज्य पक्षी, ये दोनों ही राज्यों में पाया जाता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? 3 से 5, 5 से 8, 7 से 7.5, या 7.5 से 8.5 तक का शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? सही जवाब है, 7.5 से 8.5 के बीच का जो होता है शुद्ध जल का पीएच मान है। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर शुद्ध जल का जो पीएच मान है ये 6.5 से लेकर 8.5 तक होगा। ठीक है, तो यही 6 से 8 के बीच में रहता है, आपको ध्यान में रखना है। ध्वनि का मापन होता है, ध्वनि किस में मापी जाती है? डेसिबल में, फैदम में, या मीटर में, या नॉट्स में? सही जवाब है, डेसिबल में, क्योंकि मीटर में तो माप नापी जाती है, दूरी नापी जाती है। फैदम जो होता है समुद्र की गहराई को नापने के लिए होता है, और जो नॉट्स होता है ये विंड की स्पीड के लिए नापने के लिए यूज होता है। तो डेसिबल सही है। ध्वनि प्रदूषक है, कितने से कितने डेसिबल की आवाज़ ध्वनि प्रदूषक में आती है? 10 से 25, 35 से 50, 65 से 80, या 85 से 100? सही जवाब है, 85 से 100 डेसिबल की आवाज़ ध्वनि प्रदूषक में आती है, ये जो शोर होता है सुनने लायक नहीं होता है, ये हार्मफुल होता है। मनुष्य कितनी आवाज़ तक सुन सकता है? 10 से 25, 35 से 50, 60 से 120, 85 से 100? मनुष्य एक सामान्य आवाज़ जो सुन सकता है वो सुन सकता है 60 से 120 डेसिबल की। एक कुत्ता कितनी आवाज़ सुन सकता है? -5 से -15 डेसिबल, 5 से 25 डेसिबल, या 0 से 5 डेसिबल? सही जवाब है, -5 से लेकर -15 तक, ये वो आवाज़ होती है जिससे मनुष्य नहीं सुन सकता है। वो धीमी इसीलिए वजह से वो धीमी से धीमी आवाज़ भी सुन सकते हैं, यहाँ तक कि अगर पिन भी गिरती है तो वो उसकी आवाज़ सुन सकते हैं। CFL में कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन, आर्गन, या हीलियम, या ऑक्सीजन? आर्गन गैस का उपयोग किया जाता है। परमाणु बम के प्रयोग में चलने वाली क्रिया, परमाणु बम का जब प्रयोग होता है तो उसमें कौन सी जो है प्रक्रिया चलती है? नाभिक संलयन, या नाभिक विखंडन? सही जवाब है, नाभिक विखंडन, क्योंकि नाभिक संलयन सूर्य के केंद्र में होती है, नाभिक संलयन के नाभिक विखंडन, क्योंकि इसमें ऊर्जा रिलीज होती है और ऊर्जा बढ़ती रहती है, इसलिए यहाँ पर नाभिक विखंडन की क्रिया होती है। गोबर गैस है, गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? मीथेन, हीलियम, या एथेन? सही जवाब है, मीथेन।
इसी के साथ ये समाप्त होता है, और आप इस चैनल को लाइक शेयर और ज़रूर करें। और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि केवल एक क्वेश्चन नहीं बताया मैंने आपको, उसके साथ साथ उसकी डिटेल भी दी और बाकी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी दिए। और इसी तरीके से अगली वीडियो भी आएगी, 50 रह चुके हैं, मैंने कहा था आपको 150 हम क्वेश्चन आंसर देंगे इसमें, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, पर्यावरण से। थैंक यू वेरी मच। लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।